आज के वीडियो में हम देखेंगे कि HRC फ्यूज कैसे काम करता है। फुल 3D में देखने वाले हैं कि HRC फ्यूज कैसे काम करता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अब ये फ्यूज कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ये जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज पावर सर्किट में यूज किया जाता है। पावर सर्किट में बहुत ज्यादा हाई एम्पियर करंट फ्लो होता है, इसलिए वहां पर ये फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो बॉडी बना हुआ होता है सिरेमिक मटेरियल से। देखो यहाँ पर जो प्लेट है, ये जो प्लेट होता है, ये प्लेट बनता है ब्रास मटेरियल। यहाँ पर इसको कहते हैं फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट। ये जो फ्यूज होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है किसी भी लोड के साथ। ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है, मतलब जो फ्यूज का जो वायर होता है, वो वायर सिल्वर का बना हुआ होता है, क्योंकि सिल्वर गुड कंडक्टर है, इसलिए इसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई एम्पियर करंट फ्लो हो पाता है इजीली। ठीक है, अब ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज अंदर से खाली नहीं होता, अंदर से ये भरा हुआ होता है। ठीक है, फिलिंग पाउडर कहते हैं इसे। फिलिंग पाउडर का काम क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, इस फ्यूज से जैसे कि मैंने बताया कि हाई एम्पियर करंट फ्लो होता है। अब जैसे ही इस मटेरियल से, मतलब इस सिल्वर के अंदर से जैसे ही हाई एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, ये जो आपका जो एलिमेंट है, ये गर्म होगा। ठीक है, अब जैसे ही गर्म होगा, ये टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा। उस हीट को, इस गर्मी को, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर फिलिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और एक कारण की वजह से यूज किया जाता है वो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे ही मान लो 10-15 सेकेंड तक ये फ्यूज के अंदर से बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, पहले तो गर्म होगा। गर्म होते होते एक टाइम आ जाएगा कि क्या होगा, ये जो वायर है, फ्यूज का जो वायर है, ये वायर टूट जाएगा। अब जैसे ही टूट जाएगा, यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब उस आर्क को कोंच करने के लिए, मतलब इस आर्क की जो एनर्जी है उसको फुल्ली एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर फिलिंग पाउडर का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ही आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जो फिलिंग पाउडर है वो क्या कर रहा है, आर्क को कुंच कर दे रहा है, मतलब आर्क को बुझा दे रहा है, आर्क की जो एनर्जी उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये फिलिंग पाउडर बना हुआ होता है प्लास्टर से बना हुआ हो सकता है, सिलिका सैंड से बना हुआ हो सकता है, पेरिस से बना हुआ हो सकता है, चौक से बना हुआ हो सकता है, बहुत कुछ से बना हुआ हो सकता है। ठीक है, HRC फ्यूज वहीं पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर की करंट फ्लो होता है। वहाँ पर नॉर्मल फ्यूज और HRC फ्यूज में बेसिक डिफरेंस यही है कि नॉर्मल फ्यूज में से जैसे हाई एम्पियर करंट फ्लो होगा, वो तुरंत टूट जाएगा, मतलब वो वायर जो है तुरंत टूटकर ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन HRC फ्यूज क्या होता है, 10 या फिर 12 सेकेंड तक वहाँ से हाई एम्पियर करंट फ्लो होने पर भी वो नहीं टूटता, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग पाउडर भरा हुआ है। वो फिलिंग पाउडर जो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद 10 या 12 सेकेंड तक वो रहेगा, उसके बाद टूट सकता है। ठीक है, टूटने के बाद भी जो आर्क प्रोड्यूस होगा, उस आर्क की एनर्जी को भी ये फिलिंग पाउडर क्या करके एब्जॉर्ब करके आर्क को कुंज कर देगा। तो यही है बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल यही है HRC फ्यूज का। अगर दोस्तों ये चैनल आपके लिए सही लगता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत